अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो जी मायके से मैं आ चुकी हूँ, तो सीधा गई हूँ मेडिकल शॉप पे। ये देखिए, मुझे इंजेक्शंस कंटिन्यू करने हैं। तो एक्चुअली मेरी जो वेन है वो नहीं दिखती है किसी को, तो यहाँ पे है एक एक्सपर्ट, हम उसी के पास आए थे। वरना मुझे मम्मा ने नहीं छोड़ा था मायके में, बोला कि रहो 2-3 दिन रेस्ट करो। लेकिन इब्राहिम का स्कूल भी था कल, तो फिर इसलिए निकलना पड़ा घर ही। तो अभी ना मुझे 5 इंजेक्शन और लगाने हैं। अब मैंने ये एंजियोकैप जो है लगा के ही रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजाब होता है मुझे, फिर 2-3 प्रिक लगते हैं, तो इसलिए लगा के रखे। आप चेक कर सकते हैं कि मेरे हाथ जो है कितने स्वेल हो रहे हैं। देखिए, फेस, पूरी बॉडी मेरी ऐसी हो रही है। तो जी, इंजेक्शन वगैरह हो चुका है, अब हम लेंगे रोटी। तो अभी दो चार दिन हम ना मार्केट की ही रोटी खाएंगे, क्योंकि मुझसे जो है वो नहीं रोटी बन पाएगी, क्योंकि एंजियोकैप भी लगा के है, तो इसको फिर वरना मुझे ना वो ब्लॉक होता है। तो इसलिए हमने लानी है मार्केट से ही रोटी। तो चले रोटी ला के घर चलते हैं। चाइनीज़ जैसी लग रही है। तो मामा को बहुत बुरा लगा कि आप क्यों गए घर, आप रहते नहीं हो। लेकिन मैंने सोचा कि एक तो मुझे यहाँ से इंजेक्शन कराने हैं, एंड मेरे हस्बैंड को पूरी नॉलेज है इसकी, तो मैं ना उनके बगैर ऐसा जो है हेल्थ ट्रीटमेंट जो भी होता है कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं पहले हस्बैंड से चेक करा दी, चाहे वो कहते ना वो पैरेस्टमॉल ही क्यों ना हो, तो वो भी मैं पहले हस्बैंड से चेक कराती हूँ कि मैं खाऊँ कि नहीं। और एक साइड से इब्राहिम का स्कूल भी है, तो क्योंकि मेरे मायके जो है उसकी स्कूल बस नहीं जाती है। हमने बहुत रिक्वेस्ट की थी उनसे जब सौद बेबी हुआ था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने बोला था थोड़ा हम एक्स्ट्रा फेयर देंगे, बट उन्होंने नहीं माना, बोला पॉसिबल नहीं है, हमें उस साइड के बच्चे नहीं है यहाँ ऑक्सफोर्ड में। सो फिर ना मुझे सौद बेबी 3 मंथ्स का, तो फिर मुझे जल्दी घर आना पड़ा। तो जी, 1 घंटा ही हो गया था मुझे घर में, तो फिर से पेन स्टार्ट हो गई, रैशेस निकले पूरी बॉडी पे, तो हॉस्पिटल आना पड़ा। फिर मुझे एडमिट किया गया वापस हॉस्पिटल, तो फिर मैंने भाई को बुला लिया हॉस्पिटल, क्योंकि सौद बेबी नहीं रहता है किसी के पास। फिर मेरे भाई ने इसको पकड़ा हॉस्पिटल में ही, और हस्बैंड के साथ थे। अगेन आए मायके, मेरे भाई पापा सब हॉस्पिटल आए, जब नहीं माना बोला आप वापस आ जाओ घर में, क्या करोगे, अकेले काम भी है, बच्चे भी हैं। तो फिर हम सारी फैमिली मेरे मायके आ गए वापस, तो अभी मैं हूँ मायके में ही। तो फिर तो ये है इस व्लॉग का 3रा दिन। फिर मुझे वापस जाना पड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल, मुबारक हॉस्पिटल हैदरपुरा में ही। वहाँ पे चेकअप, टेस्ट वगैरह कराए, तो सब शुक्र अल्लाह का सारा ठीक नॉर्मल आया। तो बोला थोड़ा सा ब्लड में इन्फेक्शन है, तो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। तो अब हम जा रहे हैं वापस मायके। Abdullah.